आसिम और हिमांशी का सॉन्ग आया था, आपको याद ही होगा, अफसोस करोगे। फैंस के लिए एक सरप्राइज़ रखा गया था, फैंस को पसंद भी आया, फैंस ने एंजॉय भी किया। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूं तो आसिम और हिमांशी खुराना बिहाइंड द सीन फोटेज हमें शेयर करते हुए नज़र आए अपने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से। उसके बाद अगर मैं आपसे बात करूँ तो यहाँ पर हिमांशी का एक और नया पोस्टर रिलीज़ हुआ है, अल्लाह खैर करे, ये अपकमिंग सॉन्ग है हिमांशी खुराना का। वहीं हिमांशी ने कुछ ऐसा शेयर किया है जो कि आपको हिमांशी की डेडिकेशन, हिमांशी का अपने काम के लिए प्यार दिखाने वाला है। जी दोस्तों, उन्होंने हाल ही में एक वीडियो शेयर की जहां पे उनके पैर में चोट लगी है और वो नज़र आ रहे हैं कि उनसे चल नहीं सकती, तो वो आप कह सकते एक व्हील चेयर पर बैठी हुई हैं। लेकिन यहां पे व्हील चेयर के बैठने के दौरान भी उन्होंने शूट किया। इसी पोस्ट में उन्होंने कहा है कि मुझे शूट करना था चाहे मेरे लग जाए, और मैं शूट के लिए गई थी। साथ साथ मैं बता दूँ कि अल्लाह खैर करे जो पोस्टर हाल ही में रिलीज़ हुआ वो भी कहीं ना कहीं ट्विटर पर ट्रेंड कर रहा है, तो ये भी एक फैंस का प्यार है हिमांशी के लिए। अब हम अगर देखें तो अभी अपकमिंग इनके प्रोजेक्ट कौन कौन से होने वाले हैं आसिम और हिमांशी के एक साथ, वो अभी डिक्लेयर नहीं है, लेकिन इतने कह सकते हैं कि अभी तक जो रिलीज़ हुए इनके प्रोजेक्ट सारे के सारे हिट सुपरहिट रहे हैं। हिमांशी का अल्लाह खैर करे एक नया प्रोजेक्ट जो है वो बहुत जल्द रिलीज़ होने वाला है, उसका ऑफिशियल पोस्टर रिलीज़ हो चुका है। साथ ही साथ जो डेडिकेशन हिमांशु खुराना ने दिखाई है जहाँ पे उनके पैर में लगी हुई थी, वो व्हीलचेयर में बैठी हुई थी लेकिन फिर भी वो शूट करने के लिए गई, ये कहीं ना कहीं उनके काम के लिए उनका प्यार है। और यही कहेंगे कि उनके फैंस के लिए ये जो नया पोस्टर रिलीज़ हुआ है अल्लाह खैर करे, ये बहुत जल्द यानी कि आप कह सकते हैं कि रिलीज़ होने वाला है 15 सितंबर को। वेल, आप कितने एक्साइटेड है इस सॉन्ग के लिए और आपको क्या कहना है इस व्हीलचेयर की वीडियो के लिए, कमेंट बॉक्स में लिखें। सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें। धन्यवाद।